डेफिनेटली है कि वो परफ्यूम सुनने के बाद और उसके बाद में फिर मेरे कुछ मैनली डांसिंग अदाएं देखने के बाद तो आप मुझे बहुत अच्छे लगे, वो डेफिनेटली मेरी बाहों में आ जाए। देखे आज मैं आपको मैं ये मंगलसूत्र पहनाती हूँ। लेकिन ये मंगलसूत्र तो मुझे पहना रही हो। जी हाँ, ये आप ही के लिए है, आपकी इज्जत का ढक्कन। राखी जी सामने जी। लेकिन राखी ये तो मुझे तुम्हें पहनाना है। नहीं, मंगलसूत्र हाथ में ले लो। नहीं, ये रूल बदल चुका है। राखी ऐसे मत करो, देखो ये मंगलसूत्र मुझे तुम्हें पहनाना था, ये मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। तुम तो शादी के पूरे सूत्र बदल रही हो। हाँ, हाथ में पकड़ो, दिख रहा नहीं है। बापरे, ये तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ कि कोई लड़की लड़के को मंगलसूत्र पहना रही है। पागल, कोई लड़की लड़की को मंगलसूत्र पहना रही है? ओह माय गॉड, ये मंगलसूत्र है या दंगल सूत्र है? ये दोनों, ये दंगल ही है। ओह माय गॉड, इसने तो मेरे जिंदगी में कहर डाल दिया। आज से आप मेरी हो गई है। लेकिन कहीं ये पहन के मैं मुसाफिर का सज्जे तक तो नहीं लग रहा हूँ। चलो एक गाना गाओ शादी का, बढ़िया। कौन सा वाला? कोई भी। चढ़ गई गली तेरी ना सुने रे कौन। सॉरी, ये गाना शादी में नहीं है जी। इतना गंदा गाना आपने, मैं तो सोची सचमुच कोई गाना। ये एक्चुअली शादी में जो लोग आते हैं शुभेच्छाएं देने के लिए तो वो गाना गाते हैं। तो शादी का कौन सा गाना? अच्छा, आपने कहा ना कि जो भी हमारी शादी में आए वो कोई गिफ्ट न लाए। अच्छा, दूसरी बात, जितने भी लोग यहाँ पर हैं उनको मैं यही कहना चाहूंगा कि हमारी ये जो शादी जो है तो इसका बजट हमने 70 करोड़ रखा हुआ है। तो जितने भी बाराती वहाँ पे आएंगे उनको हम आईफोन 12 प्लस गिफ्ट करने वाले हैं। तो देखिए, लोगों की शादियाँ जो है, जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज की शादियाँ 5-6 दिन होती है, लेकिन हमारी जो रस्में हैं, शादी है, वो 20-25 दिन चलेगी। तो हनीमून कब करेंगे फिर? देखो राखी, ये जो तुम है, लेकिन सुनो, 4-5 बार हल्दी लगेगी, 4-5 बार मेहंदी लगेगी। तो वैसलिन कब लगेगा? तुम्हें वैसलिन की ज्यादा जरूरत है, अभी तो भड़ी पड़ी है, इसको सिलने तो दो पहले। अरे तुम पीली होने से अच्छा ढीली हो जाओ तो ज्यादा अच्छा है यार। ऐसे मत करो राखी, इतने लंबी लंबी तुम रस्में कस्में करोगी तो फिर मतलब वो बाकी के काम कब होंगे? हमें कांड भी तो करने हैं ना, जब यहाँ पे पूरा ब्रह्मांड खड़ा है। अरे जानू, तुम कांड करने के लायक नहीं हो, थोड़ा समझो। राखी, तुम्हें मेरे बारे में धारणाएं गलत है और ये गलत धारणाएं गर्भधारणा होने के बाद विश्वास चलेगा। तुम कांड नहीं कर सकते। जब गर्भधारणाएं होगी ना तो मेरे बारे में जो धारणाएं है वो गलत है, तब इसको पता चलेगा। कौन सी धारणा? गर्भधारणा। ये क्या होता है? मतलब प्रेग्नेंट होगी तुम, राखी समझने की कोशिश करो। अभी तो तुम विराट के बच्चे की माँ बनने वाली थी। राखी, मैंने वीडियो में वैसे कहा, लेकिन रियलिटी में हमारे 20 बच्चे होंगे। किसके? हमारे? डेफिनेटली, हम पूरी एक क्रिकेट टीम बना सकते हैं। ह्यूमन सरोगेट, मतलब तुम शादी मुझसे करा रहे, तुम्हारे सारे लोग? कोई सरोगेट नहीं, कोई कुछ नहीं राखी, वो सब हम दोनों मिलकर निर्माण करेंगे, तुम समझने की कोशिश करो। तुम सार्वजनिक हो, मैं सार्वजनिक नहीं हूँ, मैं पवित्र हूँ। मतलब ये सब मेरे साथ करने के बाद होंगे वो 20 बच्चे? अच्छा, तुम पैदा करोगे तुम्हारे साथ करने से? तो तुम्हें अभी तक विश्वास क्यों नहीं हो रहा है? क्या राखी, मैं एक मर्द हूँ और मैं तुम्हें बहुत बड़ा दर्द देने वाला हूँ। अच्छा, डेफिनेटली। देखो, मैं ये कहना चाहता हूँ कि राखी जो है, मुझे ऐसे लग रहा है कि वो शायद उतनी समझ नहीं पा रही है, जबकि मैंने उसको कामशास्त्र के पाठ भी पढ़ाए हैं, लेकिन शायद मेरे कामशास्त्र। मैं नादान हूँ, मुझे डेटिंग बहुत सारी चीजें हर जगह जाते हैं, मुझे पूछते हैं, मुझे मालूम है, आप जानते हैं मेरा सर्टिफिकेट आपके पास है वर्जिनिटी का। I don't know what is मनी गॉड। जब तुम लॉस एंजेलिस में आई थी और जब मैंने तुम्हें वो चॉकलेट पैंटी पहनाई थी और जब मैंने तुम्हें वो कैसी पिघलती है और किस तरह से वो चॉकलेट को चाट कर सामने वाले को उत्तेजित किया जाता है, वो सब मैंने तुम्हें बताया तो वो तुम्हारे अभी तक पल्ले नहीं पड़ा। चॉकलेट कब चाटी आपने? राखी, तुम्हारे पल्ले कुछ नहीं पड़ रहा है क्योंकि ये पल्लू तुम हटा दो। जब तुम ये पल्लू हटाओगी तो सब तुम्हारे पल्ले पड़ेगा। भारतीय नारी के साड़ी पे हाथ नहीं लगाना।